बात मेरे बचपन की। मैंने एक शख्सियत को एक सेमिनार को संबोधित करते देखा था। लंबे लंबे बाल, आंखों पर चश्मा और वाणी में सम्मोहन। उनकी बातों का जादू कुछ ऐसा था जिसने कालांतर में मुझे कथा सृजन के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, मैं बात सुप्रसिद्ध कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कर रहा हूँ, जिनके जन्म शताब्दी पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। 4 मार्च सन 1921 को बिहार के तत्कालीन पूर्णिया और आज के अररिया जिले के फारबिसगंज के निकट औराई हिंगना में जन्मे फणीश्वरनाथ रेणु ने प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज और अररिया में प्राप्त करने के बाद नेपाल के विराटनगर से मैट्रिक की और इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 में करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने सन 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके उपरांत वहां जनतंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी लौटा दिया। अंततः पटना में 11 अप्रैल 1977 को एक ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फणीश्वरनाथ रेणु को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है। अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को भी शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। ग्रामीण जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। रेणु को जितनी ख्याति सन 1954 में प्रकाशित उनके उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इसने उन्हें रातों रात एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया और इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर जैसे कथा संग्रह की उन्होंने रचना की, तो ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा जैसे रिपोर्टाज भी हैं उनके। ठेस, संवदिया, लाल पान की बेगम उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। रेणु की कहानी पंचलाइट पर तो फिल्म बनी ही। गीतकार शैलेंद्र ने सन 1966 में उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर बनाई फिल्म तीसरी कसम, जो हिंदी सिनेमा में नील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी लुभाता है। तीसरी कसम गैर परंपरागत फिल्म थी, जो देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों की सादगी को दिखाती है। इसे आज भी कथा शिल्प के साथ अदाकारों के श्रेष्ठतम अभिनय, बासु भट्टाचार्य के प्रवीण निर्देशन और अपने लुभावने गीत संगीत के लिए होगी। मैं वापस जा रही हूँ।
अपनी वाइफ की कंपनी में। लो मेरी निशानी, सर्दी में काम आएगी। गुलाबगंज के मेले में मेरी तमाशा देखने आओगे ना? जी छोटा ना करो हीरामन, तुमने कहा था ना युवा को सौदागर ने खरीदिया। भाई सामान लग गया। मैं बिक चुकी हूँ नीता। भाई जल्दी करो ना, गाड़ी छूट जाएगी। चलो ना भाई, भाई चलो ना। अरे लाट पाट के बाहर निकल जाओ यार, कोई पकड़ लेगा। चल बनाने वाले क्या